असलम वेलकम टू यर ओन शो फोलॉजी एंड व्लॉग्स तो भैया संडे का दिन है हमने सोचा कि क्यों ना बाहर चला जाए मौसम बहुत ही ज़बरदस्त था एक्चुअली ई एलेवन में एक शॉप है वहाँ पर लेबनिस्कीन के नाम से वहाँ पर फ़्राइज़ बहुत अच्छे मिलते हैं तो हमने सोचा कि चलो चल के फ़्राइज़ ऑर्डर कर लेते हैं तो भैया फ़्राइज़ यहाँ आ चुके हैं और ये फ्राइज़ बहुत मज़े के होते हैं वन थर्टी की प्लेट है फुली लोडेड बहुत बहुत ज्यादा होते हैं दो बंदे आराम से खा सकते हैं तो ये देखिए ये आ, मतलब अच्छा साइज होता है क्रिस्पी होते हैं और विद लॉट ऑफ़ कैचअप इट ट्राई करते हैं तो ये है बहुत मजे का सीरियसली और ये चेक करें प्लेट बहुत 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 ज्यादा मजे की होती है और फुली लोडेड एक्चुअली ना हमने एक प्लेट ही मंगवानी थी क्योंकि ये एक प्लेट दो बंदों के लिए काफ़ी होती है लेकिन मैंने किया लालच और मैंने सोचा कि नहीं अपनी अपनी, अपनी मंगवाते हैं और वह फिर एट दी एंड मुझसे खाया ही नहीं गया फिर हम लोग बाहर निकल गए और थोड़ा सा सोचा कि चलो राइड कर लेते हैं मौसम बहुत अच्छा था घर जाने का तो डेफ़िनेटली मूड ही नहीं था तो बस ऐसे ही राइड करते रहे करते रहे थोड़ी सड़कें नापते रहे तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार चलो एफनाइन चलते हैं मौसम बहुत अच्छा है एफनाइन पार्क चलेगा फिर तो यहाँ पर आकर देखा कि इतना ज़्यादा रश क्योंकि मौसम अच्छा होता है ना तो रश ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा हो जाता है सब लोग फिर बाहर आ रहे होते हैं सबको मौसम इन्जॉय करना होता है तो भैया अब हम यहाँ पर पार्किंग ढूंढ रहे थे पार्किंग 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 ये रही चलो जी पार्किंग भी हमको मिल गई अब चल के देखते हैं कि क्या सीन है आगे फिर साइड पे बैठ गए यहाँ पर और बहुत बहुत प्यारी ग्रीनरी है और मौसम बहुत अच्छा है ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया हम लोगों ने यहाँ पर आसमान चेक करें बहुत ही ज़बरदस्त मौसम और यह सेकेंड डे है बारिशों का तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है फिर हमने सोचा कि चलो कुछ वॉक कर लेते हैं तो चलें फिर वॉक करते हैं और आपको दिखा लेते हैं थोड़ा सा कि कितनी अच्छी ग्रीनरी है और मौसम कितना ज़्यादा ज़बरदस्त हुआ हुआ है और दो हम लोग बहुत थके हुए थे लेकिन यही डिसाइड किया कि चलो अब आ ही गए हैं तो थोड़ा सा वॉक भी कर लेते हैं ये देखिए ग्रीनरी चेक करें बहुत अच्छी लग रही थी और इस्लामाबाद वैसे ही इतना ग्रीन है बारिश हो जाती है तो ग्रीनरी तो ऐसे निखर के सामने आ जाती है और सारा मूड फ्रेश हो जाता है चले तो जी फिर हम आ गए बाहर और सोचा कि चलो थोड़ा सा और राइड कर लेते हैं और आप बताएं मुल्क में क्या हालात चल रहे हैं बहुत अजीब व गरीब हालात चल रहे हैं दो हज़ार का केस है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा और बस अजीब सी सिचुएशन है मुल्क का आइन डिफरेंट है शरीयत में डिफरेंट चीज़ें हमें बताई गई हैं और जैसे कि आप देखें मुल्क का आइन है जी अठारह साल से कम की शादी नहीं हो सकती और शरीयत में यही पसंदीदा है कि जब बच्चा फिज़िकली बल बाल हो जाए तो फिर आप उसकी शादी कर दो क्योंकि शादी आपका ईमान का सौदा होता है और आपको एक ईमान का साथी चाहिए होता है ताकि फितना और फसाद से बचा जा सके और इंसान बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिकली दीन को फॉलो कर सके लेकिन अजीब सी सिचुएशन है और ये मकबूल जान साहब इस बारे में बड़ी मज़े की बात करते हैं कि पता नहीं क्या है सत्रह साल नौ महीने और 364 डेज तक वो बच्चा होता है अभी उसको कुछ नहीं पता होता और अचानक जब वो 18 साल का होता है तो वो एक बाल शख्स बन जाता है उसको सब पता है वो वो बिल्कुल बादशा इंसान बन जाता है तो अजीब सी बात है हालांकि शादी जो है वो बेसिकली एक फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट है और जब वैन यू फील लाइक डूइंग दैट तो आप तभी करेंगे है तो अजीब सी सिचुएशन चल रही है और हमेशा से चलती आ रही है वैसे क्योंकि आधे लोग आपको यही मिलेंगे कि भाई शरीयत में तो ये है और आधे लोग यही कहेंगे कानून में ये है जबकि ये मुल्क कहने को तो इस्लामी मुल्क है लेकिन अजीब सी बात है कि यहाँ पर इस्लाम के और अल्लाह के कवानीन हमेशा से क्लैश करते ही रहे हैं तो समझ नहीं आता कि ये कौन सा इस्लामी मुल्क है भाई अगर ये इस्लामी ही है नाम अगर रख दिया तो नाम से तो इस्लामी होता नहीं है ज़ाहिर कुछ ना तो कुछ तो करना पड़ेगा ना तो उसके लिए आपको यही करना पड़ेगा कि अल्लाह के कानून को ही मुल्क का कानून बनाया जाए और आपको मैं की बात बताऊँ कादम ने कहा था इस मुल्क को किसी कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत नहीं है इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन कुरान और सन्नत है लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने सब चीज़ें छोड़ दी हैं और अजीब सी डगर पर चल पड़े हैं जो हमें सही लगता है वो हम करते हैं काफिर को फॉलो कर रहे हैं हालांकि अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी देखें तो 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादियां तो लीगली जायज़ नहीं हैं लेकिन आपको आई रोज़ ऐसे वाक़ात सुनने में मिलते होंगे कि तेरह साल की बच्ची माँ बन गई चौदह साल की बच्ची माँ बन गई दस साल की बच्ची माँ बन गई तो वहाँ पर क्या है लीगली तो इस चीज़ को कभी भी जायज़ नहीं वो लोग कहेंगे अठारह साल से कम उम्र मार्च को कभी भी वो लीगल नहीं करार देंगे लेकिन वहाँ पर यह चीज़ एक्सेप्टेबल है कि भाई छोटी एज में बच्चे पैदा कर लो तो इस्लाम आपको इसी चीज़ को लीगलाइज़ करके ये सब काम करने की इजाज़त देता है क्योंकि इस्लाम आपको यही कहता है कि शादी जो है वो सिर्फ़ वर्डली चीज़ नहीं है बल्कि आपकी ईमान का साथ ही आपको मिल जाता है तो जो लोग दीन समझते हैं पढ़ते हैं उसके बाद उन लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि हमारी शादी हो जाए क्योंकि उनको पता होता है शादी के बाद आपका ईमान बहुत महफूज है तो जबकि कानून हमें बहुत ही डिफरेंट चीज़ें बताता है इवन यहाँ तक कहता है कि अठारह साल से कम उम्र की शादी अगर आप कर देंगे तो वो ज़िना में काउंट होगा भैया जिना में क्यों काउंट होगा जब कुरान आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है जब अल्लाह आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है तो आपका और मेरा हुक्म या आपका और मेरा कानून क्या हैसियत रखता है क्या वक़त रखता है तो सोचने की बात है इसके ऊपर Uh, के इस्लाम के अहकाम हमारे आइन से बहुत डिफरेंट हैं बल्कि हर हर चीज़ में क्लाश करते हैं तो ये कैसा इस्लामी मुल्क है अल्लाह ताला बस हमें हिदायत दे और हमारे मुल्क के हुक्मरानों को हिदायत दे जो कि काफिर के पीछे लगे चले जा रहे हैं और ये नहीं देखते कि अल्लाह का हुक्म क्या है और अल्लाह को नाराज़ किए जा रहे हैं मेरी बातें सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे असलम टेक केयर